काजोल और रानी मुखर्जी जल्द ही कॉफी विद करण के नए एपिसोड में कई बड़े खुलासे करने वाली हैं। इस शो का प्रोमो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये एपिसोड गुरुवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस एपिसोड को लेकर लोगों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए कुछ बातें सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक सेगमेंट काजोल की छोड़ी हुई फिल्मों को लेकर भी है। करण जौहर इस शो में काजोल की छोड़ी हुई फिल्म दिल से की बात भी करेंगे। करण जौहर काजोल को याद दिलाते हैं कि कुछ कुछ होता है के समय जब मणिरत्नम ने फिल्म दिल से के लिए काजोल को कॉल किया था तो काजोल का रिएक्शन क्या था। करण ने कहा कि जब मणिरत्नम ने आपको फोन किया और बोले कि मैं मणिरत्नम बोल रहा हूँ तो आपने समझा कि कोई मजाक कर रहा है और फिर उत्तर आपने दिया कि हाँ मैं टॉम क्रूज बोल रही हूँ और फोन काट दिया। आपने उसे एक मजाक समझ लिया था कि कोई आपको उल्लू बना रहा है। फिर काजोल का इस पर क्या रिएक्शन होगा ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। इससे पहले अपने दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने मणिरत्नम की जमकर तारीफ की थी। करण इस शो में काजोल से अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है के ऑफर के वक्त का किस्सा भी सुनाते हैं और कहते हैं कि जब फिल्म की कहानी आपको और शाहरुख खान को सुना रहा था तो आप बहुत इमोशनल हो गई थी और मैं भी रो रहा था। इस पर शाहरुख हम दोनों को पागल समझ रहे थे। आपको बता दें कि काजोल करण जौहर की कई सुपरहिट शुरुआती फिल्मों का हिस्सा रही हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।